इंडिया किस पे? सामान पे। कौन से सामान पे? जो है, है? जो है। कौन सा सामान है? जो होता है। सामान कौन सा है? सामान तो बताओ। सामान भी दिखाना है। क्या पढ़ रहे हो? सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ NIT से। ये सिविल इंजीनियर करता क्या है? मुझे भी नहीं पता। बस पढ़ रहे हो, पता नहीं है। बताए मंडी क्या कह रही है इस बार? मंडी यार, जब अभी मैं आया हुआ तुम आना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पहले वाली मंडी सही थी? पहले वाली मंडी बहुत अच्छी थी। सही गाली दे रहा है। मुल्क है ये सिलाई। यार आप एक इस मुल्क में रहते हो और आप कह रहे हो सही चीज। हम तो इस मुल्क में रहते हैं लेकिन हमें रहने नहीं दे रहे ना ये हमारे हुक्मरान। यार मंडी तो बस ऐसे ही कह रही है कि नहीं लेना इस दफा। जो मंडी लगती है हर बार, लोग बड़े बड़े जानवर लेकर आते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो ये चीज सही गलत है? भाई ये तो एक जरिया है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया है और हम मिडिल क्लास वालों के लिए मुश्किल की गई है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया है? क्या नाम है आपका? जैगम अली। कौन सा है? जैगम अली। जैगम भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। गुलामी क्यों? गुलामी नहीं यार, गुलामी क्यों करेंगे भाई। जॉब का क्या मतलब होता है? हाँ जॉब का मतलब गुलामी नहीं है, बस कर रहे हैं। बस कर रहे हैं? हाँ बस कर। तनख्वाह अच्छी है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? हसन। हसन क्या करते हो? यार मैं तो अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। क्यों? क्यों क्या, बस अम्मा अब्बा पढ़ाना चाह रहे हैं। तुम नहीं पढ़ना चाह रहे? पढ़ना चाह रहे हैं बस। क्या पढ़ रहे हो? सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ NIT से। ये सिविल इंजीनियर करता क्या है? मुझे भी नहीं पता। बस पढ़ रहे हो, पता नहीं है। ये बताओ बैठ करते क्या हो? पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो। क्यों कर रहे हो पढ़ाई? मुल्क का नाम रोशन करूंगा। पढ़ाओ। मुल्क का नाम क्या रोशन होगा तुम्हारी पढ़ाई करने से? मुल्क की भेड़ बन जाऊंगा। मुल्क की क्या? नहीं तुमने कोई गंदी बात करी यार। ये मुल्क बात हो ना, ये मुल्क को गाली दे रहा। सही है? सही कितने? ये बताए मंडी क्या कह रही है इस बार? मंडी यार जब अभी मैं आया हुआ तुम आना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। आना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पहले वाली मंडी सही थी? पहले वाली मंडी बहुत अच्छी थी। सही गाली दे रहा है। मुल्क है ये सिलाई। यार आप एक इस मुल्क में रहते हो और आप कह रहे हो सही चीज। हम तो इस मुल्क में रहते हैं लेकिन हमें रहने नहीं दे रहे ना ये हमारे हुक्मरान। हुक्मरान नहीं रहने दे रहे? क्या किया उन्होंने? तुम्हारी बकरी चुराई है? घर में गैस नहीं है। घर में गैस नहीं है? क्यों माँ बाप का पैसा जाया कर रहे हो? जाया क्या, उन्हीं को ही देंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो तुम्हें पता ही नहीं है कैसे कमाओगे? अल्लाह है ना। अल्लाह है, बस अल्लाह पे भरोसा करके चलो इंशाल्लाह। अभी भी चलने अल्लाह पे। ये बताओ कि मंडी में क्या है, जानवर लेने आए हो? जानवर देखने आए थे दोस्त के साथ लेकिन मुनासिब नहीं लग रहे। सही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक तो आना मुश्किल है, दूसरा आप अगर अंदर आना चाह रहे हो और अगर आपके पास बाइक है तो 3,000 देने पड़ते हैं। 3,000 रुपए देने पड़ते? 3,000 देने पड़ते हैं। सही है। आप अगर सौदा करो या नहीं करो मगर 3,000 तो देने हैं। ये बताएं मंडी में क्या कह रही है मंडी, रेट कैसे? यार मंडी तो बस ऐसे ही कह रही है कि नहीं लेना इस दफा। नहीं लेना? नहीं लेना। क्या कह रहे? मुर्गी उर्गी कह रहा था। बस करेंगे ही नहीं, क्या कह रहे हैं फिर यार। या कोई देखते हैं बकरा वगैरह देखते हैं छोटा। बिजली है? 24 घंटे से 15। बिल आ रहा है? बिल आ रहा है। भर रहे हो? हाँ भर रहे हैं, हर महीने भर रहे हैं। तो नहीं भरो भाई, उठा के ले जाएंगे। हम गरीब हैं बेचारे, हम क्या कह रहे हो? बिजली काट देंगे। अबे तो जब बिजली है ही नहीं तो काट के क्या करेंगे? अभी फिर बिल दे रहे, अभी किस लिए दे रहे? बिजली नहीं है तो बिजली है, आती है 1 घंटे आती है, 10 घंटे नहीं। 1 घंटे आती है, 10 घंटे जाती है। गलत बात है। अच्छा ये बात सुनो, तुमने बहुत गंदी गाली दी है मुल्क को। ये बताओ कौन सा मुल्क अच्छा लगता है फिर? 3,000 देना। मंडी जानवर का रेट क्या है? जानवर का रेट तो अभी हमने काफी मालूम कर दी है, तकरीबन 4 लाख। 4 लाख नॉर्मल है? हाँ 4 लाख ये बता रहे हैं तकरीबन। हाँ और 3 मन, 3.5 मन का 4 लाख बता रहे हैं। तो आप खुद सोचो, 3 मन 3.5 मन वाले जानवर 4 लाख 4.5 लाख और आप बता रहे हो तो आप किस तरह सौदा बनाओगे? छोटा बकरा रेट्स इतने हैं कि आप जो है ना अब नहीं इससे मीट नहीं कर सकते यहाँ के रेट्स। और क्या रेंज क्या है आपकी? यार रेंज है 2.25 की है, लेकिन अब इतने इतने से बच्चे क्या लेंगे 2.25। 2.25 में पीछे हड्डियाँ मिल रही है जानवर की। अच्छा हाँ चलो वो ले लेते हैं जाके फिर। पाकिस्तान। सही बताऊँ? पाकिस्तान अच्छा लगता। अभी गाली दे रहे थे तुम इंडिया लंद पे। इंडिया किस पे? सामान पे। कौन से सामान पे? जो है, है? जो है। कौन सा सामान है? जो होता है। सामान कौन सा है? सामान तो बताओ। सामान भी दिखाना है। जेली वगैरह। तो मुझे बताएं अब आप क्या करेंगे? आप बस घूमेंगे, थोड़ा सा रेट मालूम कर लेंगे। और कुर्बानी का क्या करेंगे? माइंड नहीं है यहाँ पे लेने का। नहीं है? हाँ हाँ बस आगे पीछे देख लेंगे। ये मलिर भी थोड़ा चले जाएंगे, मलिर मंडी, मंडी चले जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा अच्छा मिलता है। फिर भी ये बताएं, ये बकरा ईद में लोग बड़े बड़े जानवर लेते हैं, शो ऑफ करते हैं,
तो ये चीज सही है गलत है? नहीं ये तो गलत है। अच्छा ये बताएं, ये हर बार बकरीद होती है, लोग बड़े बड़े जानवर लाके शो ऑफ करते हैं, तो ये चीज सही है गलत है? नहीं, शो ऑफ की वजह से ही तो आज हम बैक ऑफ हो गए। ये सारे मसले शो ऑफ की वजह से? जब की वजह से हमारे माशाल्लाह यूट्यूबर्स भाईजान जो चल रहा है ट्रेंड, अब ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे, फिर आगे अगर नहीं बना तो क्या करें? क्यों मतलब क्या हाई है? हाई है फुल टाइम। कितना है ये पिछली बार के मुकाबले से? अभी पिछली से मल्टीप्लाई बाय 2 है। मल्टीप्लाई बाय 2 है जानवर में, मतलब 1 लाख का जानवर 3 लाख का? 3 लाख का एग्जैक्ट। इतना फर्क है एग्जैक्ट। क्या करें व्यापारियों को, क्या करें? मारना शुरू कर दे? मारना क्या, बाइकआउट कर दो। कर लो हिस्से की कुर्बानी, मना थोड़ी है इस्लाम में। यार ये कौन से सामान की बात कर रहा है? ये जो डॉट अटैक जिस सामान से आबादी बढ़ती है, जिससे आबादी बढ़ती है वही। अच्छा ये बताओ मंडी घूमे हो जी? क्या कह रहे हैं रेट, क्या कह रहे हैं रेट? शुरू में मुनासिब है, आखिर में बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शो नहीं करते, हमारे घर के खुद 10-12 जानवर होते हैं पर्दे करने वाले। हाँ 10 नहीं जानवर 10-12 होते हैं। हाँ तो ये है कि वो शौक वो तो हर इंसान का अपना एक चीज़ है, जिसके पास पैसे हो वो जो भी कर सकता है कर सकता है। शुरू में इधर मुनासिब रेट है? इधर इस जगह के तो मुनासिब नहीं है, सामने अभी बछड़िया के पूछे 12 लाख रुपए। 12 लाख मुनासिब है? कम चार मन के 12 लाख रुपए। आप बताओ मुनासिब पैसे? नहीं बिल्कुल मुनासिब नहीं। जो मंडी लगती है हर बार, लोग बड़े बड़े जानवर लेकर आते हैं शो ऑफ करते हैं, तो ये चीज़ सही गलत है? भाई ये तो एक जरिया है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया गया है और हम मिडिल क्लास वालों के लिए मुश्किल की गई है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया है? ये क्या तरीकेकार है? बस ये है कि जिनके पास आ जाता है वो फिर करते हैं ऐसी, क्योंकि ना कोई इसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना वो, तो हम मिडिल क्लास वालों के लिए मुश्किल है, आप भी हम भी हैं सब। चलो तुम्हें मैं फिर एक मशवरा देता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दो, ठीक है, वरना तुम भी मंडी में जानवर लगाना शुरू कर दोगे। महंगी है? बहुत महंगी है। हाँ भाई महंगी है? महंगी है। आप बताओ जी भाई? बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। तो क्या करोगे इस बार, क्या लोगे फिर? इंशाल्लाह लेंगे जानवर ही लेंगे। खरीद लो तो अच्छा। नहीं नहीं अपने लोग अपने पालते हैं, अपने पालते हैं, यहाँ तो ऐसे ही बच्चोतियाँ करने आए हैं। चलो बहुत शुक्रिया। ओके जिस तरह का जो रेट है ना, वो आज से अगर हम 4-5 साल पहले चले आए तो 2-2 लाख रुपए के जानवर हम लोग अच्छे खासे ले लेते थे, लेकिन अभी कोई ऐसा चल ही नहीं रहा। सर ये बताओ आपके लंबे कद का राज क्या है? बस ऐसे ही है, सबका ही है। कॉम्प्लेन भी है आपने? नहीं नहीं खानदानी है। खानदानी है? खानदानी है। चले बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको मिलेगा कोई ना कोई जानवर।